नमस्कार, मैं हूं शेफ निखिल और रस्म रसोई में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस सर्द मौसम में आपका सबसे ज्यादा खाने का क्या मन करता है? स्नैक्स ना? इसका जवाब मुझे इसीलिए पता था क्योंकि मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन भुजिया और चिप्स जैसे स्नैक काफी अनहेल्दी और फैटनिंग होते हैं और पकौड़े और समोसे जैसे स्नैक्स काफी बोरिंग। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें कुछ ऐसी रेसिपीज जो अनयूजुअल भी हैं और टेम्पटिंग भी। तो आज इस रसोई में बनेंगे कुछ अनयूजुअल स्नैक्स। एक बनेगा कबाब जिसके अंदर होगा चावल, और एक बनेगा ऐसा स्नैक जो कि इटालियन और इंडियन कुजीन का मेल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए बनाता हूँ पोटैटो एग्स। सबसे पहले हमें बनाना है एग का योक, यानी कि जो अंदर की येलो फिलिंग होती है, पहले हम वो बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल, और इसमें डालते हैं ये उबले हुए मटर। ये बाहर से येलो होगा और अंदर से होगा ग्रीन, क्योंकि ये काफी हेल्दी है, वेजिटेबल्स जल रही हैं इसमें। इसमें हम डाल रहे हैं करीब एक कप मटर, और इसको थोड़ा सा हम मैश कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको हमने रफली मैश कर लिया है चम्मच से ही। अब इसके अंदर डालते हैं नमक, ये स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सफेद मिर्च पाउडर करीब एक चौथाई चम्मच, थोड़ी सी हरी मिर्च करीब एक चम्मच या जितना आप डालना चाहें, एक चम्मच बारीक कटा पुदीना, और एक चम्मच इसमें डालेंगे बारीक कटा धनिया। तो फ्लेवरिंग तो हमने इसमें कर दी है, अब थोड़ी सी हो जाए इसकी बाइंडिंग, डालते हैं इसके अंदर ये चीज, करीब दो चम्मच चीज, और इसको अब अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ये देखिए, अब आप इसे अच्छी तरह से प्रेस करते रहिए। ये लीजिए, अब हमें इसके छोटे छोटे रोल्स बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये है योक जो हम वेजिटेरियन एग बना रहे हैं, तो इसका साइज भी उतना ही रहेगा जितना नॉर्मली रहता है। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हमें सारे मिक्सचर के योक्स बना लेते हैं। ये लीजिए, ये तो हमारे यहाँ पर योक्स तैयार हैं। अब हमें बाहर का वाइट बनाना है। इसके लिए एक और हमारे पास यहाँ पर मिक्सिंग बोल है, इसके अंदर डालते हैं ये आलू। यहाँ पर तीन आलू है हमारे पास, और उनको हमने उबाल कर पील करके मैश कर रखा है। अब इसमें डालते हैं नमक, सफेद मिर्च पाउडर ये करीब आधा चम्मच, थोड़ी सी मिर्च इसमें भी डाल देते हैं, थोड़े कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, अगर आप नहीं डालना चाहे तो मत भी डालिए। एक चम्मच पुदीना, एक चम्मच धनिया, तो वही फ्लेवर्स रहेंगे अंदर भी और बाहर भी। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें डालनी है हमें बाइंडिंग के लिए ये चीज, तो हमारे पास यहां पर आधा कप चीज और है, ये भी इसमें डाल देते हैं और इसे फिर से मिला लेते हैं। ये लीजिए, ये भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें इसके थोड़े से बड़े डंपलिंग्स बनाने हैं, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर इस तरह से डिप्रेशन करें बीचों बीच, और इसके अंदर ये जो मटर का हमने योग बनाया है इसे इस तरह से रख दें और फिर इसे बंद कर दें, और इसको अब आपको एग की शेप देनी है। ये देखिए, और इस तरह से आप इसे एग की शेप दे दें, और बाकी के मिक्सचर के भी हम इसी तरह से एग्स बना लेते हैं। ये लीजिए, यहां पर ये एग्स तैयार हैं। अब हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, लेकिन ये कर्डल ना हो, यानी कि ये फटे ना, इसके लिए हमें इसे कोट करना है। किससे आपको बताता हूं, हमारे पास यहां पर एक और मिक्सिंग बोल है, इसके अंदर डालते हैं हम मैदा करीब आधा कप, और इसकी हमें एक स्लरी बनानी है, यानी कि पतला सा मिक्सचर बनाना है पानी के साथ। इस तरह से पहले आप इसे स्मूथ कर लें और फिर बाकी का पानी इसमें डालें। हम ये स्लरी मैदे से बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास यहां पर एक और प्लेट है, इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, और अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ये जो एग्स हैं, अब हम इसमें डिप करेंगे और फिर
इस ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे और फिर इसे साइड में रख देंगे। इसी तरह से बाकी सारे जो एग्स हैं सेम प्रोसेस के थ्रू कोट करेंगे। ये लीजिए, यहां पर हमने ये सारे एग्स अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर दिए हैं। अब वक्त आ गया है इन्हें डीप फ्राई करने का। चलते हैं फ्रायर की तरफ। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और हमें वैसा टेक्सचर नहीं मिल जाता जैसे कि नॉर्मल हम कटलेट्स जब घर पे बनाते हैं उनका होता है। ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं फ्रायर से। ये लीजिए, तो यहां पर हमारे पास तैयार है वेजिटेरियंस का जवाब नॉन वेजिटेरियंस के लिए पोटैटो एग्स। पोटैटो एग्स बनाने के लिए आपको चाहिए उबले हरे मटर एक कटोरी, नमक स्वाद अनुसार, पिसी सफेद मिर्च एक छोटा चम्मच, कटी हरी मिर्च डेढ़ छोटे चम्मच, बारीक कटा पुदीना दो छोटे चम्मच, हरा धनिया दो छोटे चम्मच, कसा हुआ चीज चार बड़े चम्मच, उबले मैश के आलू तीन, मैदा आधा कटोरी, ब्रेड क्रम्स एक कटोरी। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक बड़ी कटोरी में उबले मटर को मैश करें, नमक सफेद मिर्च हरी मिर्च पुदीना और हरा धनिया डालें, कसा हुआ चीज मिलाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाएं। एक अलग बड़ी कटोरी में मैश किए उबले आलू लें, नमक पिसी सफेद मिर्च हरी मिर्च पुदीना और हरा धनिया डालें। इसके बाद कसा हुआ चीज डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं। एक बड़ी गोली बनाएं और इसमें मटर से बनाई हुई गोली को भर के अंडे की शक्ल दें। एक बड़ी कटोरी में मैदा लें और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें। पोटैटो एग्स को मैदे के घोल में डुबोएं, ब्रेड क्रम्स से कोट करें और डीप फ्राई करके सर्व करें।